नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हैं वो तत्काल न्यूज लाइव। नागपुर गोरेवाड़ा थाना अंतर्गत मिलिट्री ग्राउंड में 64 वर्षीय भैयाजी बैस की निर्मूल तरीके से हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। हमेशा की तरह भैयाजी बैस अपने काम पर 2 दिन पहले निकले थे, लेकिन 2 दिन के बाद भी घर न लौटने की वजह से उनके बेटों ने जांच पड़ताल शुरू की। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल भैयाजी को ग्राउंड में पकड़कर कुछ अज्ञात लोगों ने बुरी तरह से पीटा। मृतक के शरीर पर पट्टे और डंडे के निशान थे और उनको निर्वस्त्र कर पीटा गया। स्थानीय लोगों से बातचीत कर पता चला कि सुबह तक उनकी मौत नहीं हुई थी। लोगों ने 100 नंबर पर कॉल करने के बाद भी इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तरह लापरवाही दिखाई दी। मीडिया के पहुंचने पर भी पुलिस प्रशासन ने अपना सहयोग करना जरूरी नहीं समझा। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम आए हैं गोरेवाड़ा के मिलिट्री जंगल में, जहां पे एक घटना हुई है। तो इनके रिलेटिव है, उनसे बात करेंगे हम। सर बताइए आपका नाम। मेरा नाम पवन सिंह बैस है। कैसे, क्या जानकारी मिली आपको, कब से गायब है ये? तो कल 11 बजे निकले थे घर से कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए हमारे प्रॉपर्टी के, तब से फिर घर पे वापस नहीं लौटे थे। अच्छा। तो ये रात में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते थे, तो जनरली चले जाते थे कभी बगैर घर को इंफॉर्मेशन दिए हुए। किसी से दुश्मनी वगैरह थी इनकी? अभी हमारा प्रॉपर्टी का, हमारी जामठा में प्रॉपर्टी है, तो हमारा वहाँ पे बात चल रहा था, तो अभी बीच में हम उसके लिए सक्रिय हुए थे कि हम हमारी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में केस वगैरह डालेंगे, तो हो सकता है कि अपोजिशन वालों ने ही इसका ये किया होगा। किस पे डाउट है आपको? उसमें मैम 2-3 लोग है, हमारी 3 खेती है वहाँ पे जामठा में, तो उसमें चापले है, पुरुषोत्तम हिंगे है और 2-3 लोग हैं जिनके नाम अभी मेरे माइंड में नहीं आ पा रहे, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ही ये सब करवाया है। ठीक।